इसके आगे भी रास्ता बहुत आगे है, तो वसुंधरा फॉल्स है। वसुंधरा फॉल्स है, उसके आगे आप देख सकते हो, अगर आप जूम कर पाओगे, जूम कीजिए, हाँ और जूम, हाँ तो ये सत्तोपन का पीक आपको दिख रहा है। इसकी एलिवेशन है 7,556। तो ये लास्ट है यहाँ का। अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, अब हम वापस जाएंगे माना गांव होते हुए वापस बद्रीनाथ, फिर वहाँ से आगे रुद्रप्रयाग। फ्रेंड्स, वो गाना सुना होगा आपने, दिल है कि मानता नहीं, तो कुछ वैसी सिचुएशन है। थक इतना हाथ चल चुके हैं हम कि हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, थके हुए हैं, मन कर रहा है कि वापस जाएं अपनी बस पकड़ें और निकलें यहाँ से। बट क्योंकि आपको पता है मेरे साथ दो महानुभाव चल रहे हैं, दो चीते, तो इन्होंने भी डिसाइड किया कि हम आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर आगे और ऊपर चढ़ के हमें मिलेगा भाई साहब क्या तपोवन, क्या वसुंधरा फॉल्स। वसुंधरा फॉल्स तो आगे जाके वसुंधरा फॉल्स मिलने वाला है। सो फिर से इसी कंडीशन में हमने पेटी कस ली है, नाउ वी आर गोइंग, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं और देखते हैं कैसा है वसुंधरा फॉल्स। दोस्तों, वसुंधरा फॉल्स बहुत कम लोग जाते हैं, इक्का दुक्का कोई दिख रहा है इधर को आते हुए, तो यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो, ये व्लॉग, बिकॉज बड़ी मेहनत लग रही है यहाँ पहुँचने में। इतनी मेहनत करके मैं मेरे साथ ही आगे निकल जा रहे हैं, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट्स, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत थकाने वाला सफ़र है, पहले केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ और ये वसुंधरा फॉल्स की जो ट्रैकिंग है, बाबरे टायर्ड, सो टायर्ड। ये नदी, नदी का कल कल करता हुआ पानी, बट ये है कि बहुत मन को शांति मिल रही है, एंजॉय, वाह ग्रेट, आई हैविंग फन। ये मेरे साथ ही बार बार इनको वेट करना पड़ता, ऐसा कहा जाता है स्वर्ग रोहिणी यात्रा के दरमियान ये वसुंधरा फॉल्स फॉल्स में अगर नहाने जाओ, अगर कोई पापी इंसान होगा तो उसके ऊपर यह का पानी नहीं गिरता, ऐसे ऐसे कहा जाता है। भैया कहाँ से वापस आ रहे हो, कहाँ तक गए थे आप लोग? वही दिख रहे, देखो फॉल तक। अच्छा, ये टॉप पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे टॉप पे, इधर दिख रहा है नीचे। अच्छा, यहीं पे, यहाँ से 1 किलोमीटर होगा, पानी दिख रहा है ना, 1 किलोमीटर नहीं, ज्यादा होगा, 2-3 किलोमीटर। ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों, अंदाजे से तकरीबन 2-3 किलोमीटर तो हम आ चुके होंगे माना गांव से, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ठंड बढ़ रही है, और नेचुरल जो ब्यूटी है यहाँ की, हो मज़ा आ रहा है। मतलब तराजू के एक पलड़े में अपनी थकान है, कभी वो भारी हो रही है तो कभी दूसरे पलड़े में ये दृश्य हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि आगे को चलो, आगे को चलो। गॉड, सी सी द ब्यूटी। दोस्तों, सी ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसके नीचे बता रहे हैं, इस पहाड़ के नीचे बता रहे हैं वसुंधरा फॉल्स। तो अभी जो लोग होके आए हैं उनसे पूछे हमने, तो देवर सिंह की इस पहाड़ के नीचे है, और मैंने आज के 1 किलोमीटर होगा, देवर सिंह की नहीं, ये 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ही है। तो एक तो छोटा मोटा फॉल तो यहीं पे दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े रॉक्स, फाइनली बहुत करीब हैं हम वसुंधरा फॉल्स के। ओह, काफ़ी थकाने वाला सफ़र है यार, बद्रीनाथ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर है। दोस्तों, शायद यही वो दृश्य है जिसके लिए पागलों की तरह चले जा रहे हैं पिछले 6-7 किलोमीटर से, यही है वसुंधरा फॉल्स, वसुंधरा फॉल्स यही है।